Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ऐसा नहीं होगा बाबा इंशाल्लाह। अपनी जिम्मेदारी को समझो बेटा। अगर मैं तुम्हारी तरफ से कोई एतमाद हूं तो मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचा। क्योंकि बिजनेस में ये नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं चलता। You got to be serious. आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ओके। बाबा आपकी भी तो 12 बजे मीटिंग है। ठीक है तुम चलो, मैं 11 बजे तक आ जाऊं। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या भरी हुई है वॉशरूम में शगुफ्ता, क्या करती हो? एनी भी उठ जाए। पता है ना साहब को कितनी नफरत है गंदगी से। क्या हुआ शर्फू, नहीं उठी? गड़गड़ा रहा हूँ, नहीं उठ रही। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। एनी उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठ जाओ भाई उठ जाओ, क्या हो गया है? उठ जाओ उठ जाओ, दोपहर हो गई है। एनी तुमने जाना नहीं है, क्लास में सो जाएगी। आज ऑफ है। ऑफ भी है तो इसका मतलब है सारा दिन सोती रहो। उठ जाओ। तुम ना करें। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ एनी? हर वक्त दोस्तों के साथ घूमती रहती हो, ना आने का कोई वक्त है ना जाने का वक्त है। कल रात भी कितनी देर से आई हो। सब तुम्हारे बाप का कसूर है, उनके लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया। पता नहीं कैसे गुजारा करोगी ससुराल में। ये सब अय्याशियां घर की होती हैं और कोई नहीं बर्दाश्त करता। चलो उठो, किचन में आओ मेरे पास। उठ जाओ फटाफट। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही का तो कसूर है, सर चढ़ा रखा है बेटी को। अरे कान खींचने चाहिए आपको उसके। ठीक है मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन अब जब उठे तो उसे कुछ मत कहना वरना सारा दिन उसका मूड खराब रहे। जितनी सख्ती आपने बेटे पे की है ना, अगर इस पे की होती तो आज ये दिन ना होते। सख्ती नहीं की लेकिन परवरिश तो वैसी की है ना। आपसे बातों में आज तक जीत पाई हूँ जो अब जीतूंगी। ठीक है भाई, कोई नहीं जगाएगा आपकी महारानी को। जब उनका दिल चाहेगा वो सो के उठ जाएंगे। सब ठीक है तो मुझसे क्यों झगड़ा कर रही? अरे कहा ना मैं समझा दूंगा उसे। ओके ठीक है। फिर दोस्त कोई उम्मीद बनी? हाँ जी, एक मीटिंग है। उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। बल्कि यास्मीन, मैंने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर हमें बिजनेस की परसेंटेज शेयर भी करनी पड़े तो कर लूँगा। ओनरशिप तो हमारी रहेगी ना? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है तो। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई इस तरह? कुछ नहीं। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी जगह कोई और होता तो। फिरदौस आपने सारी जिंदगी मेहनत की, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपके साथ। मैं अपने माजी की तमाम दीवारें गिरा चुका हूं यास्मीन, इन पर मेरी उम्मीद के छप कायम है। सिर्फ उम्मीद नहीं फिरदौस, हमारे ख्वाब, हमारा मुस्तकबिल, भरोसा। कोई बात नहीं, हम अपने ख्वाब फिर से बोल लेंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ, बेटा है ना हमारा।
बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो और अच्छे की उम्मीद रखो। इस तरह कमजोर पड़ने से तो कुछ नहीं होगा। और हाँ, जब उठे तो उसे कुछ डांटना वटना मत, मैं आपके समझा दूंगा उसे। अच्छा सॉरी ना यार। नहीं मामा, आज तो वैसे ही ऑफ है, भूख नहीं लग रही, बाहर जाके खा लूंगी। बाहर जाके? यस मामा, वो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर का प्लान किया हुआ था आज। क्या हो गया बेटा? मामा प्लीज प्लीज, अब भी नहीं नहीं सुननी मुझे कोई बात है, सुबह सुबह मुझे आपके लेक्चर्स नहीं सुनने, और आज आप मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना मुझे। सीरियसली? डन। अच्छा मामा वो पैसे दे दें। किस चीज के पैसे? क्यों? क्या मतलब क्यों? चाहिए तो बस चाहिए। बेटा अभी परसों 10,000 रुपए दिए थे, कहाँ गए? हाँ तो क्या अब मैं आपको हर चीज का हिसाब दूंगी कि मैंने पैसे कहाँ खर्च किए और कहाँ नहीं? क्या खर्चा इसमें, अगर हिसाब दे दोगी माँ को तो? मामा प्लीज ऐसी बातें ना करें, और वैसे भी ये पैसे मैंने आपसे नहीं मांगे थे, नोमी से मांगे थे, उसने मुझे कहा था कि सुबह मैं मामा को दे दूंगा। नहीं दिए उसने मुझे। नोमी के बच्चे? क्या हो गया एनी, कुछ शर्म करो, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, किस तरह बात कर रही है उसके बारे में? अच्छा छोड़े ना, मुझे प्लीज आप ही दे दें। पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, ये जो तुम इतने इतने पैसे खर्च कर रही हो और अपने दोस्तों पे उड़ा रही हो, ये सही बात नहीं है। आप मुझे दे रही हैं या नहीं? नहीं, और तुम जा भी नहीं रही। ओके फाइन, ना दे पैसे और मैं जा रही हूं। एनी, शर्मा इधर आ। जी बीबी जी। कहा था ना बड़ी गाड़ी रुकवाना, कहाँ है वो? छोटी बीबी, वो बड़े साहब ले गए हैं, अगर छोटे साहब होते तो मैं कह भी देता। ठीक, छोटी गाड़ी बाहर निकालो। ठीक है, मैं आपको छोटी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। रुको, किसने कहा? साबित हो जाए। लेकिन वो बीबी जी, वो छोटी बीबी, लगता है आज बड़े साहब से सुननी पड़ेगी। माशाल्लाह आपकी अपनी जमीनें हैं, अपना कारोबार है, तो फिर आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं? अब एजुकेशन इसमें ली है तो मैं इसी में आगे जाना चाहता हूं। तो मुझे पता चला था कि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, डेट्स वाइन है। जी आपको सही पता चला है, मलिक टेक्सटाइल्स को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की वाकई बहुत जरूरत है। देखिए मलिक साहब, मेरे पास पैसा है और आपके पास नाम के साथ साथ एक्सपीरियंस, जो किसी भी कामयाब कारोबार की बुनियाद है। मलिक टेक्सटाइल्स की कामयाबी के बारे में आपने कहां सुना है? क्योंकि आजकल तो मेरे सारे क्लाइंट मुझसे दूर भाग चुके हैं, और उसकी मेन वजह गैस और बिजली की शॉर्टेज है, और इन हालात में मैं मार्केट से इतना पैसा भी नहीं उठा सकता कि अपना प्लांट खुद लगा दूं। भाई साहब उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं चाइना में बात कर लूंगा और हम यहाँ पे प्लांट भी अपना लगा लेंगे, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके जितने भी क्लाइंट हैं वो सब के सब वापस आएंगे। लेकिन हेलो जी, जी कैसे याद किया आपने? अच्छा तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं खुद आके आपको रिसीव करता,
मैं आ रहा हूं, आप वहीं ठहरे, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूं। ओके, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाता हूं। आपको पहले कभी नहीं देखा इस ऑफिस में? आप बाबा से डेफिनेटली बिजनेस डील करने आए होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जॉब अप्लाई करने आए होंगे। डोंट वरी, मेरे बाबा बहुत उसमें पसंद है। अगर आप मेरिट पर है, आपको काम हो जाएगा। गुड लक। वैसे आप चाहे तो मैं बाबा से सिफारिश कर सकती हूँ, मेरे बाबा मेरी बहुत बात मानते हैं। ओहो, इंट्रोडक्शन करवा तो भूल ही गई। माई सेल्फ एनी, मैं मलिक साहब की बेटी हूँ, आई मीन फिरदौस मलिक की बेटी। आप जी? मैं शाहिद, एक्चुअली मैं बहुत है। वैसे आप शाहिद हैं, ओके, मैं बाबा को बता दूंगी। एक छोटी सी एडवाइस दूं, आपके इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंटली देना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। नोमी के बच्चे। हे एनी, तुम आओ, आओ, कम, तुमसे बात करनी है। ओह गॉड, बड़ी लंबी मीटिंग थी, बट वेरी अनप्रोडक्टिव। क्या बात है भाई, मामा से लड़कर आ रही हो? पैसे। ओह, आई एम सो सॉरी, सुबह जल्दी निकलते हुए भूल ही गया। जितने चाहिए निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। आज तो बॉस इसका वॉलेट ही में खाली कर दो। ये दोस्त देखे कैसे होते, पहले मौज मस्ती की, हल्ला गुल्ला किया और अपने घर को चले गए कि हमें देर हो रही है, हमें देर हो रही है। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना यार। आई नो दैट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। बिल कितना हुआ? ओए चुप करो, बिल मैं दूंगी। आइए भाई, इसका वॉलेट लेकर आ गई। भाई नुमान का लाई हूँ, वो भी चुरा के। इसमें से काट दूँ बस। सिर्फ 5,000 हो गए हैं। एक मिनट। मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी हमेशा। ओए, ये नोमी की कॉल आ रही, आज तो बेटा मेरी बैंड बजी। हेलो एनी, क्या बच्चों वाली हरकत है यार, कम से कम मेरे कार्ड तो छोड़ देती वॉलेट में। देखा बच्चों, अब पता चला कि शर्मिंदगी क्या होती है। मैं ऐसे रोज शर्मिंदा होती हूँ अपने दोस्तों के सामने। कम ऑन यार, मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, पैसे देने के लिए नहीं है मेरे पास।
ये काइंडली आईडी कार्ड रख ले मेरा, मेरे वॉलेट में इस वक्त पैसे भी नहीं है और मेरा कार्ड भी नहीं है इस वक्त, तो आप ये अपने पास रखें, मैं अभी थोड़ी देर में आकर पैसे दे दूंगा और ये ले जाऊंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। शर्मिंदगी तुम्हें नहीं हो रही है, मालिक टेक्सटाइल की इज्जत और रेपुटेशन की बात है। लेकिन बाबा वो हमारे बजट पर पूरा नहीं आ रहा था। इस बात पे तुम्हें पहले वर्कआउट कर लेना चाहिए था कि वो लोग आया हमारे बजट पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, उसके बाद हम मीटिंग रखते या ना रखते वो दूसरी बात। लेकिन अब तो सारे मार्केट में ये बात फैल गई कि मालिक टेक्सटाइल के रिप्रेजेंटेटिव तो आए थे लेकिन बिजनेस किसी और को मिल गया। हाउ सैड। आई एम रियली सॉरी बाबा। तुम्हारे सॉरी कहने से तो अब ये सिचुएशन बदल नहीं जाएगी बेटे। बस कर दीजिए, ऑफिस के मामलात घर पे ना डिस्कस करें, खामखा दिल खराब होगा। चाय लो बेटा। एनी कहाँ है? बाहर गई है। अरे आप, आपके बच्चे ही किया क्या तुमने? गाड़ी मार दी मेरी, अंधे हो गए सुबह का तो समझते क्या? तुम्हें नजर के चश्मे पहनने चाहिए, कोर्ट वाले मुझे अपनों के हीरो समझ लेंगे, कुछ भी कर सकते। गाड़ी मार दी मेरी। मेरी बात तो सुनिए। चिल्ला नहीं जाना उसपे। देखिए गलती आपकी, आप मेकअप कर रही थी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? झूठे के लिए मैं कुछ मेकअप वेकअप नहीं कर रही थी। आपकी लिपस्टिक आपके हाथ में और खुली है, आप यूज कर रही थी। झूठ बोल रही हैं आप। मेरी गाड़ी मार दे, मैं पापा से जाके क्या बोलूँ? मेरी गाड़ी मार दे। आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज प्लीज, मैं कामरान यार, मैं यहाँ पे कुशवाहा के पास हूँ, वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं कौन सी जगह है ये। हाँ, ये इब्राहिम सरंगी के पास। अरे यार मैं ठीक हूँ। हाँ बाकी बात है बाद में करते हैं, ठीक है? ओके थैंक्स। वर्कशॉप से अभी गाड़ी आएगी, टो करके ले जाएगी आपकी गाड़ी। आप की निकाल लें और वैसा चलाएं। आइए मेरे साथ। मैं कैसे? कैसे आदमी आप? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपको दूसरी पड़ी है। कितनी परेशान हो दिखी ना आपको मैं। कितनी परेशान है आप? बाबा वो कैसे बताऊंगी, गाड़ी टूट गई है। इसका बाबा मुझे कभी गाड़ी नहीं देंगे। तो उनको बताने की जरूरत क्या है, गाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ, गाड़ी ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, मैं बाबा से पैसे मांगूंगी। ये हमने का बच्चा कहाँ रह गया? लड़कियों के सामने बैठे कमीज नहीं है, ऐसे देखते हैं क्या? देख रहे हैं? मैंने क्या किया? ऐसे देखते लड़कियों को? कैसे देखते हैं? मेरा मतलब है क्या देख रहे थे? मैं देख नहीं रहा था, सोच रहा। क्या सोच रहे थे? नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी सोचूं आपको क्यों बताऊं? बताना तो पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ये क्या? मैं सोच रहा था कि जब लड़कियां खुश होती हैं तो कैसे शरारतें करती हैं, और जैसे उनसे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है कैसे बच्चों की तरह बिहेव करती हैं। Ew, how flirt?
या तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आप यहाँ फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ। एनी ये डिसाइड कर लो तुम या आप। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कहूँ तुम फ्लर्ट हो। तो तुमने मुझे बोला था कि मैं बताऊँ, मैंने बता दिया। हाँ वैसे तो मैंने ही कहा था। ये आमिर का बच्चा कहाँ दफा हो गया? ये आमिर कितना बड़ा है, कितने बच्चे हैं उसके? हेलो तमीज से, वो मेरा दोस्त है और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। शादी तो मेरी भी नहीं हुई। कहाँ से पैसे लाऊं मैं? मैं दे दूंगा, मैं गाड़ी ठीक करवा दूं। आप कैसे देंगे दीदी? आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं ना थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगी सारे पैसे। कितने थोड़े थोड़े करके? जैसे जैसे मामा मुझे पॉकेट मनी देंगी ना, मैं वो आपको दे दूंगी। तो आपकी पॉकेट मनी का क्या होगा, वो कैसे खर्च करेंगे? क्या आप करना कर, इसलिए नोमी है। नोमी किसका बच्चा? तो भी मेरे बाप का बच्चा है, ऐसे चार साल बड़ा बस है लेकिन मुझसे रटता है। नहीं 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 आप, मुझे भूख लग रही है। थैंक यू सो मच। कितना बिल है? सर बस 1,20,000 का, बट ये है कि आपके लिए 20,000 का डिस्काउंट है क्योंकि आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। अरे नहीं ठीक है, 1,20,000 ही पे करूंगा मैं, अकाउंट्स में कह दूंगा आपको पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरत है हीरो बनने की? नहीं मैं आपको 1,20,000 ही दूंगा, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही थी क्या जरूरत थी, ये एक्स्ट्रा 20,000 मैं नहीं देने वाली तुम्हें। बाबा की कॉल। जी बाबा। बाबा कहीं नहीं, बस आमिर का बच्चा नहीं उसको ड्रॉप करने जाना बस। हाँ वो आ गया वापस, इसलिए तो बाबा पार्टी रखी है मैंने। नहीं नहीं वो चला गया, चला गया। बाय आमिर। बाबा आ रही हूँ मैं। ओके ओके बाय। बहुत एक्सपर्ट है आप तो झूठ बोलने में। करना पड़ता है झूठ, लेकिन मैं अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोलती। ओह रियली? अभी ये सच बोल रही थी उनसे। अपने काम से काम रखे यार, तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा कुछ गाड़ी लगी थी। खुद फिट हो गई है मैं। ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता ना चले? लेकिन बाबा आपको कैसे पता चला? देखते मैं तुम्हारा बाप, आज जो हुआ सो हुआ। तो शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई। इतनी बड़ी गाड़ी तुम कैसे चलाओगी अभी से? आइंदा तुम बगैर ड्राइवर के कहीं नहीं जाओगी, समझी? पापा आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो तुमने हमें दिया बेटा, क्या जरूरत थी तुम्हें बगैर ड्राइवर के कहीं जाने की? खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता तो तुमने कभी सोचा तुम्हारी माँ पे क्या गुजरती? देखा बाबू, अपनी ना बीवी को समझा दें, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, बस मेरी दुश्मन बनी रहती हैं। ओ माँ हूँ तुम्हारी, पता है मुझे? नहीं पता। चलो तुम आपस में एक दूसरे को पता करो, मैं आता हूँ। खबरदार। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, ठीक है ना? शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई, इतना बड़ा नुकसान। अब जो होना था वो हो गया, थैंक गॉड दैट आई एम आउट ऑफ इट, वरना तुम देखते तो। तुम लोगों ने मेरे बगैर पिकनिक का प्लान कैसे बनाया? तुम्हारे बगैर, और वो भी पिकनिक का प्लान? तुमने फोन चेक किया तो मैं कितनी कॉल्स की थी मैंने? 2 दिन का क्या कहते, 10 दिन के बाद आ रहे हो। क्या करता है एनी, तुम्हें पता है ना अम्मी के चक्कर में फंस गया था, और जब भी तुम फोन करती थी या तो मैं हॉस्पिटल में होता था या ट्रैफिक में फंसा होता था। और कल, कल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की थी? उस वक्त मैं ट्रेन में था ना, ट्रेन की आवाज और मैं सो रहा था। हम मिस कॉल चेक करने के बाद नहीं कर सकते थे? वो क्रेडिट नहीं था। गरीब का बच्चा, तुम्हें पता है तुम जब नहीं हो तो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम बिला वजह गांव चले जाते हो, कहते हो मामा बीमार है, मामा बीमार है। अच्छा मामा बीमार है और गांव? क्या गांव? एट
एक सेकंड जरा। हेलो, क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड ना। हाँ बेटे बोलो, क्या बात? पापा वो मामे की मामा की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं बेसिकली उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं आपके पास ले आऊं। बहुत अच्छा किया तुमने बेटे, अगर तुम अपने घर गए थे तो वहीं से बता देते, हम तुम्हें ऑनलाइन भिजवा देते। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? अंकल वो जी, अब बाबा इसे ना 80,000 चाहिए थे, लेकिन आने जाने में तो एक्स्ट्रा खर्चा लगता ही ना बाबा। है ना जी? जी तो बाबा एक काम करें, इसको ना 1,00,000 रुपए दे दे। ठीक है बेटा, मैं भी 1,00,000 रुपए का चेक बनवा देता हूँ। तुम इत्मीनान के साथ अपने वालदा के इलाज कराओ बेटा, अगर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरा झिझक बताना। जी अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। हाँ खुदा ना खास्ता अगर उन्हें वो इलाज की वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ ले आओ, यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ उनका इलाज करवा देंगे। जी अंकल। लव यू बाबा। लव यू टू। अब चले, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ऊपर आइए, एक चेक बनवाना। बता तुम्हें मुझसे कोई बात करनी, तुम कह रहे थे कि तुम घर से आके कुछ कहोगे, क्या बात थी वो? हाँ मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं चाहता था पहले अपनी मामा से बात करूं। कर ली, अब बोलेंगे? यानी समझ नहीं आ रहा ना। हाँ क्या किया तुमने? I hate you for this. यार तुम्हें नहीं पता ना, मुझे उस हीरो के पैसे दे रहे थे, मेरी खाते उसने पैसे दे के बड़ा इतरा रहा था वो। तो तुमने मेरा नाम क्यों लिया? तो क्या करती, बाबा को जाके बोलती कि बाबा मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को मार दिया और मुझे वो पैसे किसी और को दें, तो प्लीज 1,00,000 रुपए दे दो। अब वो कहते कि ये लो मेरे पैसे बेटा। Whatever, तुमने झूठ बोला है। अरे पागल लड़के समझा करो, कोई झूठ अच्छा काम करने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ अच्छा होता है। कोई अच्छा काम नहीं है ये, तुमने मेरी माँ का नाम लिया है यार। तू क्या करती, पैसे चाहिए थे ना? अगर तुम्हारे अब्बा ने कल परसों मुझे इधर घूमते फिरते देख लिया तो उसका क्या हाल है आपके पास? इसलिए तुम्हें मैं डायरेक्ट कॉलेज लेकर आई हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो कि 2-3 दिन तक ना तुमने डायरेक्ट कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आना है, समझे? इतना ओवर या क्यों कर रहे हो? अच्छा ना बताओ ना मामा कैसी हैं अब? चलो कुछ तो याद है तुम्हें। मुझे सब याद रहता है। अच्छा सब बताओ ना, मामा खतरे से बाहर है? हाँ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, और मैं उनको अपने साथ यहीं ले आया। सीरियसली? वाह, हम एक काम करते हैं, उनका इलाज यहीं से करवाते हैं और बाबा को बोलेंगे कि बाबा तुम अपनी अम्मा को यहीं लेकर आ गए हो। अच्छा अब तो स्माइल कर दो। ठीक है चलो तुम्हें कॉफी पिलाते। ये 2011 की फिस्कल रिपोर्ट है, इसमें तमाम चीजें डिटेल के साथ मौजूद है कि इस साल हमें कहां और कितना इन्वेस्ट करना है। घर जाके आराम से देख ले। जी, जी बिल्कुल। अच्छा आपने ये नहीं बताया कि कामों के अलावा और क्या मसरूफियात रहती है आप? मलिक साहब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ बोले। अगर आप ये आप से मुझे तुम में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे ताल्लुक में मजबूती आएगी। प्लीज। अच्छा चलिए आपसे तुम कर रहे थे। थैंक यू सो मच। तो क्या मसरूफियात रहती है तुम्हारी काम के अलावा? ऐसे मलिक साहब तो कुछ भी नहीं है, जमीनों पे चक्कर लगा लिया। हाँ सियाहत का बहुत शौक है, घूमने फिरने का। सियाहत का शौक तो मुझे भी बहुत था, लेकिन शादी के बाद बिजनेस के बाद जिंदगी के मुख्तलिफ झमेले सारे शौक धरे के धरे रहे। एक काम करते हैं, चाइना जाना है प्लांट के लिए तो इकट्ठे चलते हैं, क्या ख्याल? ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरे पास आएंगे मेरे फार्म हाउस पर,
एक बार मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, मैं बैठ करता हूँ, सारी जिंदगी आप याद रखेंगे। ठीक है, चले चलते, नेक काम में देर किस बात। डन। मेरे हम